नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल सक्सेस प्लेस में। इस वीडियो में हम बात करेंगे मार्केट के व्यू के बारे में, मार्केट का व्यू आगे क्या होने वाला है, निफ्टी और बैंक निफ्टी कौन से लेवल के ऊपर ट्रेड करता है तो हम उसे ट्रेंड मानेंगे और कब डाउन ट्रेंड में कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पर हम छोटे से टेक्निकल एनालिसिस माध्यम से समझेंगे मार्केट कब हमारा अप ट्रेंडिंग होगा, कब डाउन ट्रेंड होगा, कब निफ्टी क्रैश हो सकता है, कौन सा लेवल्स है जिसको ब्रेक करने के बाद निफ्टी में एक बड़ी गिरावट देखने मिल सकती है। तो यहाँ देखिए निफ्टी का ये हमारा चार्ट है। अगर निफ्टी के चार्ट पे बात करें तो ये इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है। पहले हमने बताया था कि 240 मतलब 14,240 को ब्रेक करता है तो एक बड़ा गिरावट हो जाता है। तो यहाँ पर 240 को ये ब्रेक किया था लेकिन यहाँ पर इसके नीचे सस्टेन नहीं किया। देख सकते हैं कि ये जो हमारा है 22 अप्रैल को ये ब्रेक किया था लेकिन यहाँ से फिर से ये रिकवर कर गया। मतलब यहाँ पर ये जो ब्रेकआउट है, ये जो सपोर्ट ब्रेक किया यहाँ से 240 से, वहाँ पर सस्टेन नहीं कर पाया उसके नीचे। जब तक यहाँ पर सस्टेन नहीं होता है, एक दो दिन क्लोजिंग नहीं दे देता है, तब तक ये लेवल जो है हमारा सपोर्ट का काम करेगा। तो यही हमारा जो अभी है 200 से लेके 240 के बीच का ये जो है सपोर्ट रीजन है। और ऊपर जो ये ट्रेंड लाइन है कहिए तो यहाँ से रिजेक्शन बार बार लिया है निफ्टी ने। 14,630 से यहाँ से बार बार रिजेक्शन लिया। पहले ये सपोर्ट का देख सकते हैं यहाँ पर काम करता था, फिर जब इसके लेवल को नीचे ब्रेक किया और इसके नीचे सस्टेन ट्रेड करना शुरू किया निफ्टी, तो यहाँ पर इसको ये रेसिस्टेंस बना चुका है। तो ये ऊपर रेसिस्टेंस है या कहें ये ट्रेंड लाइन जो है हमारा एक रेसिस्टेंस का काम करेगा। इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है और ट्रेड करना एक दो दिन शुरू करता है निफ्टी, तो फिर यहाँ पर हम अप ट्रेंड मान सकते हैं। और या यहाँ से इस लेवल को ब्रेक करता है 14,200 के नीचे ट्रेड करना शुरू करता है तो हम निफ्टी को डाउन ट्रेंड में कंसिडर कर सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट लेवल है निफ्टी का कि कब निफ्टी को हम अप ट्रेंड में मानेंगे और कब डाउन ट्रेंड में। तो अभी हमारा इसी रेंज में निफ्टी जो है ट्रेड कर रहा है 14,650 और नीचे जो हमारा 14,200 इसी बीच में ट्रेड कर रहा है। अगर इसके 14,600 के ऊपर ट्रेड करना शुरू करता है तो हम अप ट्रेंड में मान सकते हैं, और 14,200 को ब्रेक करता है तो हम निफ्टी को डाउन ट्रेंड में देख सकते हैं कि यहाँ से एक बड़ी गिरावट निफ्टी में देखने मिल सकती है। क्योंकि नीचे आप देखिएगा तो फिर सपोर्ट जो है वो काफ़ी नीचे है निफ्टी का बनता है, तो इस लेवल को ब्रेक करने के बाद निफ्टी में एक शार्प करेक्शन, एक तेजी से गिरावट देखने मिल सकती है। और ये निफ्टी जो है हमारा फिर वहाँ से 14,700 तक आ सकता है, 14,750 तक आ सकता है। तो ये रेंज रहेगा निफ्टी का। अगर ये 14,200 को ब्रेक करता है तो अगला हम जो मेजर सपोर्ट देखेंगे वो 14,750 के आसपास। वहीं बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी जो है काफ़ी ज़्यादा वीक है। बैंक निफ्टी देख सकते हैं यहाँ पर डाउन ट्रेंड में लगातार चल रहा है और ये जो काफ़ी अच्छा ट्रेंड लाइन को ये रिजेक्ट कर रहा है। देखिए आज भी ये इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने की कोशिश किया लेकिन इसका जो ये यहाँ पर रेसिस्टेंस है 35,180 का जो इसका स्टेंस है वहां पर फिर से ये रिजेक्ट हुआ। मतलब इस सपोर्ट को तोड़ने में हमने काफ़ी वक्त लिया था और इसको तोड़ करके, इस रेसिस्टेंस को तोड़ करके ऊपर जाने में भी काफ़ी समय लग सकता है। तो पहले हम इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता हुआ देखेंगे। अगर डेली टाइम फ्रेम पर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है बैंक निफ्टी तो फिर इस रेसिस्टेंस को क्रॉस करने के बाद हम यहाँ से बैंक निफ्टी में बुलिश हो सकते हैं। या ये नीचे इस लेवल को ब्रेक करता है 30,500 के नीचे ट्रेड करना शुरू करता है बैंक निफ्टी और एक दो दिन अगर इसके नीचे ट्रेड करता है तो फिर से हम बैंक निफ्टी को बेयरिश मान सकते हैं। तो अभी ये समझिए कि हमारा बैंक निफ्टी जो इसी रेंज में ट्रेड कर रहा है, इसी रेंज में एक दिन अप बार जाता है, एक दिन डाउन ट्रेंड में आता है। तो ये लेवल है हमारा 32,180 और नीचे हमारा 30,500, इसी लेवल में बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है लगभग कई दिनों से। देखिए ए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 आज आठवां दिन था, तो लगातार 8 दिन के बीच इसी रेंज में बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है। तो जिस साइड ब्रेक करता है, अगर ऊपर की साइड इसको ब्रेक करता है तो हम बैंक निफ्टी को स्ट्रांग मानेंगे कि बैंक निफ्टी स्ट्रांग है, बुलिश है। और अगर इस लेवल को नीचे ब्रेक करता है तो हम बैंक निफ्टी को बेयरिश मान सकते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा सिचुएशन है, जो कोरोना वायरस के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, हमारा लॉकडाउन जो इम्प्लीमेंट किया गया है तो इसका बहुत सा बड़ा योगदान है कि ये 32,180 के लेवल को ब्रेक करके बैंक निफ्टी नीचे आ गया, मतलब एक डाउन ट्रेंड देखने मिला। और यहाँ पर कोई भी गुड न्यूज़ जो है बैंक निफ्टी को स्ट्रेंथ कर सकता है, बैंक निफ्टी को ऊपर ले जा सकता है। और कोई भी और बैड न्यूज आता है जैसे हमारे लॉकडाउन से रिलेटेड, कोरोना वायरस से रिलेटेड, तो फिर यहाँ पर हम एक और बड़ी गिरावट देख सकते हैं। तो अब चलिए बात करते हैं हम ग्लोबल मार्केट के सेंटिमेंट का। ग्लोबल मार्केट जो है
सेंटिमेंट क्या है, ग्लोबल मार्केट के अनुसार हमारा मार्केट का सेंटिमेंट क्या हो सकता है, साथ साथ कोरोना वायरस के केसेस जो लगातार राइज कर रहे हैं क्या उसमें कुछ सुधार हुआ है, या यूँ ही कोरोना वायरस केस बढ़ता रहा तो फिर और ज़्यादा सिचुएशन हमारा खराब हो सकता है। अगर ग्लोबल मार्केट में हम डॉ जोन्स की बात करें तो देखिए डॉ जोन्स लगातार ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है। यहाँ पर देखिए कंसोलिडेट हो रहा है अपने ऑल टाइम हाई पे, डॉ जोन्स यहाँ पर कंसोलिडेट हो रहा है लगातार। देखिए ये इनसाइड कैंडल बनाया है, ये जो कैंडल है ग्रीन कैंडल, इसी के अंदर पिछले दिन भी ट्रेड करेगा और आज भी ट्रेड कर रहा है, तो लगातार ऑल टाइम हाई पे डॉ जोन्स ट्रेड कर रहा है। तो जो ग्लोबल मार्केट में जो यूएस मार्केट है वो अपने ऑल टाइम, यूएस मार्केट का जो डॉ जोन्स इंडेक्स है वो ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है, और इसके जो दूसरे इंडेक्स है नेस्डेक वो भी ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है। तो बहुत सारे जो मार्केट है ग्लोबल मार्केट में ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है, तो हमारा मार्केट भी निफ्टी जो अभी भी ऑल टाइम हाई के करीब ही है, अभी भी हम 15,400 जो लगाए हैं ऑल टाइम हाई उसके करीब ही ट्रेड कर रहे हैं, 14,400 के आसपास हैं। और यहाँ पर देखिए ग्लोबल मार्केट में डॉ जोन्स अप है, S&P 500 ये भी 1%, नेस्डेक भी 1.40% से अप है। तो यहाँ पर देखिए सारे के सारे जो आपको ग्लोबल मार्केट मिलेंगे वो सारे के सारे काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। देखिए बोस्पा ब्राज़ील ये भी अप है 0.62% से, डेक्स देखिए जर्मनी के इंडेक्स ये डाउन है 0.27% से। वहीं जो यूके मार्केट है, जो हमारा मतलब ब्रिटेन का मार्केट है, वो हमारा यहाँ पर न्यूट्रल आज मतलब अभी तक न्यूट्रल है, अभी तक कोई खास चेंज इसमें नहीं हुआ है। वहीं जो फ्रांस का CAC 40 है वो 0.15% डाउन है। तो जो यूरोपियन मार्केट है वो थोड़ा सा डाउन है, यूएस मार्केट काफ़ी अप है। वहीं नीचे चलते हैं तो आपको और सारे जो मार्केट है उसमें भी मिक्स आपको दिखेगा। यहाँ पर निक्की देखिए, यहाँ पर निक्की जो है हमारा जापान का वो 0.57% डाउन है। नीचे चलते हैं तो जो चाइना मार्केट है वो सारा का सारा, चाइना का जो इंडेक्स है देखिए स्ट्रॉन्ग है काफ़ी ज़्यादा, तो चाइनीज मार्केट काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है यहाँ पर। फिर नीचे चलते हैं तो यहाँ पर आपको और सारे जो मार्केट है एशियन मार्केट में वो भी मिक्स दिख रहा है, कुछ अप है कुछ डाउन है। तो जो ग्लोबल मार्केट सेंटीमेंट है, यूएस मार्केट पूरी तरह से बुलिश है, यूरोपियन मार्केट डाउन है, लेकिन जो यूएस मार्केट है वो अपने ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है, चाइनीज मार्केट भी ऑल टाइम हाई पे है। तो ग्लोबल सेंटीमेंट कुछ खास खराब अभी नहीं है मार्केट सेंटीमेंट, लेकिन जो हमारे लॉकडाउन के न्यूज़ है, हम जो कोरोना वायरस के सेकेंड वेव को फेस कर रहे हैं उसके कारण काफ़ी ज़्यादा मार्केट में पैनिक सिचुएशन बना था, और ये सिचुएशन आगे किस तरह से रहता है वो चार्ट पे भी मैंने आपको डिस्कस किया, किस लेवल को ब्रेक करेगा तो हम अप ट्रेंड में मानेंगे और किस लेवल को ब्रेक करने पर डाउन ट्रेंड में मानेंगे मार्केट को। अब यहाँ पर बात करें कोरोना वायरस केसेस का, देखिए कोरोना वायरस केसेस का जो ग्राफ है लगातार यहाँ एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हो रहा है, एक्सपोनेंशियल वे में लगातार इंक्रीज हो रहा है। तो कोरोना वायरस के केसेस लगातार इंक्रीज हो रहे हैं, तो इसलिए सुरक्षित रहिए, घर में रहिए, मास्क लगा कर चलिए। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा कि मार्केट का आने वाले समय में सेंटिमेंट क्या होगा, हमारा मार्केट बुलिश होगा या बेयरिश। तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, जब पहली बार है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आपने स्टॉक मार्केट में अपना ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया है तो आप जीरोधा के साथ ओपन कर सकते हैं, एंजल ब्रोकिंग के साथ कर सकते हैं। अगर आपको ट्रेडिंग करना है तो एंजल ब्रोकिंग सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म है, काफ़ी अच्छा मार्जिन देता है, आप हमारे लिंक से एंजल ब्रोकिंग अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। साथ ही साथ जीरोधा में चाहे तो आप उसमें कर सकते हैं, जीरोधा और एंजल दोनों में आपको ₹20 पर ट्रेड चार्ज लगता है, और इन डिलीवरी में आपको कोई भी चार्ज नहीं लगता, कोई भी स्टॉक डिलीवरी में लेते हैं आपको कोई भी ब्रोकरेज पे नहीं करना पड़ता है, और इंट्राडे में सिर्फ ₹20 पर ट्रेड आपको चार्ज लगेगा।